कोट खालसा में एक दुकान के किरायेदार तथा दुकान मालिक में विवाद हो गया। इस अवसर पर किरायेदार सुरेंद्र कुमार ने कहा कि ये दुकान जबरी खाली करवाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दुकान मालिक सुरजीत सिंह ने कहा कि ये दुकान उनकी अपनी है और किरायेदार समय पर किराया नहीं देते। वहीं ये मामला कबीर पार्क चौकी पहुंचा। इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि दोनों गुटों की शिकायतें मिली हैं और जांच करके जो भी बनती कार्रवाई होगी की जाएगी। मैं सुरेंद्र कुमार जी कोटखाल सेंटर कॉलोनी करना जी आना गल पै गई जी तो समान सुटन लगे बाहर मैनू कहना दुकान खाली कर टाइम दौ दुकान का टाइम दौ टाइम नहीं दिता ना मैंने 2004 ट्रेन आ 2004 की दुकान ली मैं तक किराया क्लीयर है सारा किराया दिता है 25-30 जने पैसे की गल एक सुरजीत सिंह आ एक गिंदा मतलब कि ये घर दी है कुड़ी आ बाकी सदे की कंप्लेट कार्रवाई की थी ना कोई नहीं की कार्रवाई ये कौन इंसाफ दिता जाए इन्हें पर्चे दर्ज किया जाए इंसाफ किया नुकसान होया जी 25-30 हज़ार का नुकसान होया। मेरा नाम डॉक्टर विजय आ मैं जनरल सैकटरी कांग्रेस तो मैं जो कल इतने वेख्या सुरजीत सिंह तो साथी तो घर की तो कुड़ी ने आके पूरी धक्केशाही की इतने इन्ने दुकाना वाले खलोते सी सारे के सामने इनू मार कटाई की कपड़े पाड़े ये भज के चौंकी चल गया तो इन्होंने वो घर दी ने सुरजीत सिंह ने वो कुड़ी ने तो गिंडे ने समान सुटना शुरू करता उन्हें पुलिस आ गई तो उन्हें भज गई पर पुलिस ने अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने छड़ता अभी पुलिस प्रशासन बारे बेनती करते हैं भी इन्होंने परचे दर्ज किए रहन जो नहीं किए रहे तो अभी अपनी सरकार जी आप ही धरना देंगे। कारण गुंडागर्दी जी वो इस टाइम पहलों जो मैं दुकाना लाइया उदो किराए घट होंगे ही हुण किराए वध गए हुण धक्केशाही नूं कहिंदा वी किराए वधाओ जे अहीं कहिंदे जो पुराना किराया चलन डिया लिखिया उहो ही देना ते इसे चक्कर च उहने दुकानां दे समान बाहर सुट्टिया खाली करवाउण दी नीयत नाल उहने ट्रक लिआंदा सी समान चुक के लै जाणा सी उहने पूरी गुंडागर्दी वरती आ वी उहनां नूं परचे दर्ज कीते रहिण नहीं तां सानूं मजबूर सड़क वी जाम करनी पई ते उह वी करांगे। मेरा सुजीत सिंह एक्स कौंसलर 60 नंबर वार्ड का मैं 40 साल कांग्रेस की वर्करी की थी बिल्कुल ईमानदारी से सुरजीत सिंह गिल कोट खालसा 60 नंबर वार्ड का मैं एक्स कौंसलर हाँ। ये दुकान का ये है जी मैं इनू किराए दी इन्हें 3 महीने किराया नहीं दिता रविंदर कुमार नू हाँ जी इस करके भी 3 महीनों बाद इनू ही मैं क्ढना चाहिया ये आ लै ज लिया समान फिर कुछ मोहतबर बंद ने कहा भी इनू 3 महीने का टाइम दे दो ये 3 महीने टाइम लिखती लिया जो हो गए 3 महीने ये आंदा जी ये बे मेरी वो ला के वर्ग ते मैनू जां खत्म की दे के मेरे को सैन कराए तो ये बिल्कुल झूठी आ जो भी लिखा ने ये आप सगों का मैं खाली कर देना इन्हें आप खड़िया नाल चल लैन चल गया ट्रक भी मैं समान खाली करने कुछ बंदे स्थान व्यक्ति जिन्हों का अगे भी मेरा केस चल रहा यो किराए नावा का ही वो कोर्ट केस चलन दिया उस बंद ने नाल जोड़न करके इनू दिया भी तू आ गल कह दे आ गल कह दे भी मेरी दुकान आ मैं इन्ने साल तो रह रहा मैं नहीं छड़नी इस गल तो ही फिर इन्हें झूठी दरखास्त देती एदा मुंडा जिहड़ा कि छोटा मुंडा नाल दी मम्मी साढ़े घर धमकी दे गया ही भी तुसीं दुकान नहीं खाली करवाउणा आउणा असीं कोर्ट दे विच दावा करता। इन्हें दुकानदार हैगा एक किराएदार है सुरेंद्र कुमार ते दुकान दे मालक हैगे ने सुरजीत सिंह इन्हां दा ना आपस च दोनों का झगड़ा चल रहा दुकान दे संबंधी किराए का इन्हां दीआं कंप्लेंटां आईआं ने दोनों दीआं कि एक कह रहा है कि मेरा ये भी समान सीगा जिहड़ा भी वह बाहर कढ़न की कोशिश की है पर दोनों ने कंप्लेंटा की दित्तियां ने दोनों धिरां नूं बुलाया तो वेरीफाई करते हैं भी किहदी गलती है तो उस हिसाब नाल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।